अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो खैर वाफियत, आप सब ठीक ही होंगे। तो आज है 9th of January, आज हमारे घर की ओपनिंग है माशाल्लाह। सबसे पहले हम लोग ने कुरान खान रखा है सुबह 9 बजे, तो मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। ये है अंडरग्राउंड रास्ता। झूम झूम के पढ़ो जोर जोर से। सेकेंड फ्लोर पे भी कुरान खानी चल रही है माशाल्लाह से। कुरान शरीफ के पारे पढ़े जा रहे हैं। अभी 4th फ्लोर की ओर चढ़ रहे हैं हम लोग। अरे फैजान बेटा, जाओ कुरान शरीफ के पारे पढ़ो जा करके। यहाँ मेरे घर की खिड़की से एवेंटस बिल्डिंग जो बन रही है गोवंडी की, एकदम साफ व्यू दिखता है यहाँ से। और लेफ्ट हैंड साइड पे ये देख रहे हो वो अल मुक़द्दस मस्जिद है। मस्जिद अक्सा जैसी दिखती है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत व्यू दिखता है यहाँ से। यहाँ पे भी छोटी बच्ची लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। तो बिना डिस्टर्ब किए हम लोग जाते हैं, अपना काम करते हैं और इन्हें पढ़ने देते हैं। कुरान खानी चल रही है और अभी हम लोग जा रहे हैं फाचे के लिए सिरनी लेने के लिए। या तो जलेबी लेंगे या तो शक्करपारा लेंगे, जो भी हो दिखाऊँगा तुम लोग को मैं। अभी हम लोग आए हैं हरी मस्जिद के रोड पे, जहाँ पे एक से बढ़कर एक खाने की चीज़ें मिलती है। उसके सामने ही मिठाई वाले की दुकान है, वहीं से हम लोग मिठाई ले रहे हैं। यहाँ पर शक्करपाली है, बूंदी है और जलेबी है। तीनों में से क्या ले वही कंफ्यूज़ हो रहे हैं अभी हम लोग। तो फाइनल हो चुका है कि अभी शक्करपाली ही लेना है 5 किलो। और फिर रात के लिए भी शक्करपाली का ऑर्डर दे दिए हैं, जो मतलब रात को मिलाद होगा उसके लिए। हालाँकि आसपास भी बहुत मिठाई की दुकान है अब्बा की पहचान की, लेकिन अब्बा हमेशा यहीं से आते हैं फातिया की मिठाई लेने के लिए। शिवनी ले लिए हैं और अब जा कर के क्या करना है, बच्चों में तकसीम करना है। अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं पार्ले जी का छोटा वाला पैकेट, ताकि तो बच्चों को एक पैकेट दे दें पार्ले जी का। ये लोग याद रखेंगे, क्योंकि कुरान खाने में जब मैं भी जाता था बचपन में कभी अरबी से, तो दिन में ये रहता था कि या तो 10 रुपये मिल जाए या तो कुछ बिस्किट या कुछ खाने मिल जाए। एक अलग ही मज़ा रहता बचपन में। बस इसी तरह हम लोग भी मस्ती किया करते थे कुरान शरीफ पढ़ने के बाद। यहाँ पर बच्चे लोग की मस्ती चल रही है, बताता हूँ तुम लोग को मैं, तुम लोग सबको बताता हूँ। भागो भागो। तो अभी है हम लोग अपने सबसे टॉप फ्लोर पे, ठीक है। अब मैं यहाँ से तुम लोग को व्यू दिखाता हूँ कि मेरे घर से व्यू कहाँ से क्या क्या दिखता है। सबसे पहले उस तरफ घुमाओ, कैमरा मैन जरा उस तरफ घुमाओ। वो दिख रहा है, वो है पूरा मानपुर का एरिया। उस साइड वाशी है। कितना दूर दिख रहा है यहाँ से? मेरे हिसाब से 5 मिनट का रास्ता है। यहाँ से अगर जाऊँ पैदल 5 मिनट, लेकिन पहुँचते पहुँचते अपने कितना देर लग जाता है, 25 से 30 मिनट। उससे बाद मैं दिखाता हूँ तुम लोग को मानपुर का पहाड़, जहाँ पे लोग बोलते हैं बम बारूद बनता है। ऐसा कुछ नहीं है, जंगल एरिया पूरा वो, ठीक है। और इस साइड आओ, ये है रेड ब्रिक और ये बन रहा है हमारा एवेंटस टावर, जो कि 10 साल से बन रहा है, ना जाने कब कंप्लीट होगा। और वो रेड ब्रिक, वो माइटी बिल्डिंग, पूरा क्लियर व्यू और लाइफ टाइम के लिए मेरे यहाँ से मिलेगा तुम लोग खाड़ी खाड़ी का व्यू, ठीक है। और सबसे मेन चीज़, मेरा घर ऐसी जगह पे है जहाँ पे चारों जगह से हम लोग घिरे हुए हैं मस्जिद से माशाल्लाह। एक जगह की अजान होती है अजमेरी मस्जिद की, वहाँ की ख़त्म होते होते अपनी हरी मस्जिद की अजान चालू हो जाती है। हरी मस्जिद की ख़त्म होते होते अपनी अल मुक़द्दस की अजान चालू हो जाती है। अल मुक़द्दस की अजान ख़त्म होते होते अपनी अनबार मस्जिद की अजान चालू हो जाती है। अनबार मस्जिद की अजान ख़त्म होते होते अपनी फिर एक और देखो मस्जिद वहाँ पर हरी वाली दिख रही है, 14 नंबर रोड की वाली मस्जिद की अजान चालू हो जाती है। मतलब तुम लोग देखोगे तो हर जगह से हम लोग माशाल्लाह मस्जिद से घिरे हुए हैं, अजान की आवाज़ आती रहती है माशाल्लाह। इस साइड दिखाई भैया, इस साइड ये देखो, ये जो तुम लोग देख रहे हो वहाँ पे मालूम क्या है, अंधेरी। गोवंडी से अंधेरी मात्र 20 मिनट का रास्ता है, लेकिन जाते जाते अपने को 1.5 घंटे से भी ज़्यादा लग जाता है। और उस साइड जूम करिए, उस साइड जूम करो, जूम करो, जूम करो, एकदम जूम जूम। वो दिख रहा है तुम लोग का पहाड़ ऐसा कुछ, वहाँ क्या मालूम कुरला। कुरला देखो कहाँ पहाड़ पे बसा हुआ है, छोटा 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 घर दिख रहा है तुम लोग कचरे के, ऐसा कुरला है वो कुछ भी। और वहाँ से अगर तुम लोग देखोगे तो ये भी कचरा ही दिखेगा गोवंडी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है भाई। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया। वो साइड पूरा है अपना क्या भैया, वो पता नहीं। और वो देखो वो फ्लाइट उड़ रही है, फ्लाइट हर 3 मिनट में फ्लाइट उड़ती है यहाँ पे। बहुत बेहतरीन नज़ारा माशाल्लाह। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, खूबसूरत एकदम। सो या टेरेस का तुम लोग ने व्यू देख, जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया कि घर शिफ्टिंग हो रहा है अभी, और कल वीडियो आएगी पूरे घर की होम टूर की। तो आज अभी हम लोग जब उसका कांच का रैक लगाने आ रहे थे तो उसमें स्क्रू नहीं है, अब स्क्रू लेने जाना है, छोटी मोटी चीज़ें जो है वो लेने हैं अभी। आजी कैटरर्स रात के मिलाद की दावत के लिए यहीं से हम लोग खाना ले रहे हैं। ये है 3 नंबर वाला रोड जो कि फुल ऑन भरा हुआ है बुटीक की दुकानों से, मतलब दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे सिर्फ कपड़े खरीदने के लिए। ओनली जेंट्स, सिर्फ मर्दों के कपड़ों की मार्केट है ये। मैं भी नटराज होटल में बैठा हूँ नाश्ता करने के लिए, लेकिन मैं तुम लोग को बता दूँ कि नटराज सबसे फेमस होटल है यहाँ पे स्वीट्स के लिए। शिवपुरी ऑर्डर किया हम लोग खाने के लिए, लेकिन सबसे मज़े की बात तुम लोग को मैं बता दूँ, गोवंडी की हर एक स्कूल की लव स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अब तुम लोग ये मत समझ लेना कि सबकी लव स्टोरी, इन द सेंस मेरी भी लव स्टोरी यहीं से शुरू हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल टाइम में मैं बहुत अच्छा बच्चा हुआ करता था, मेरी कोई लव स्टोरी नहीं है, मैं अभी भी अच्छा बच्चा हूँ, ठीक है। हम जैसे सिंगल लोग नटराज में लड़की लेकर नहीं आते, पेट भरने आते आइसक्रीम और फालूदा खाने के लिए। हाँ कि शिवपुरी मतलब बोले तो चुम्मा एकदम बहुत मज़ेदार ये रहती है। मैं तो हमेशा यहीं पर खाता हूँ शिवपुरी, कभी भी आता हूँ तो आप भी आओ, अपने बच्चों को भी लाओ और सब खाओ। रात की दावत की तैयारी चल रही है अभी। ये इतने सारे प्लेट्स और ये ग्लासेस है दावत में, मतलब खाने पीने के लिए, और भी छोटी मोटी चीज़ें जो इस्तेमाल में आएंगी वो सब ले ली हम लोग ने। नटराज होटल के सामने ही है ये बनिए की दुकान जो कि बहुत ही फेमस है। अभी हम लोग ने इतनी सारी चीज़ें लेकर के आए, ये है सिरनी फातिया के लिए, और ये इतनी सारी चीज़ें हैं जब दावत बटेगी, मतलब तब उसके लिए। और ये पाइप है जो लगेगा अभी दरवाजे के पास। आज है हमारे घर की पोजीशन टाइमलाइन 9th of January 2022 को हमारा घर लॉन्च हो गया फाइनली। तो आज शाम में होगा मिलाद, सुबह जैसे कुरान खानी हुई शाम में मिलाद होगा। जहाँ तक की बात रही होम टूर की, जितना भी घर अभी बन गया है फर्निश्ड, फुल्ली फर्निश्ड हो चुका है घर। तुम लोग छोटी मोटी वीडियोस में से देखे होगे। ये देखो आईना है, ये पूरा इतना क्लियर दिख रहा है, वो गेट उस तरफ है, दिस इज़ द रियल गेट, और ये है आईना। सब दिखाऊंगा, अच्छी तरीके से दिखाऊंगा, हर एक चीज़ दिखाऊंगा। आज की जो ब्लॉग बन रही है ये खासकर तो एंड होगी मिलाद शरीफ पे, और रात में दावत चलेगी, दावत की भी कुछ वीडियोस रहेंगी। मेरे दोस्त लोग आएंगे, मेरे भाई लोग आएंगे, उन लोग की कुछ छोटी मोटी वीडियोस रहेंगी। जस्ट स्टे ट्यून एंड वॉच। इतनी सारी कारीगरी बाकी है, देखो यहाँ पे गेट पे लग रहा है पर्दा, तो पर्दे के लिए हम लोग ने 3 होल डाले। लग चुका है अपना पर्दा यहाँ पे, देखो कितनी मेहनत मुशक्कत लगी, मैंने किया इतना सारा सब कुछ। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, स्टाइलिश। दरवाजा बंद, काम खत्म। 2000 years later। हो तो बस अभी नहा धोकर के हम लोग आए हैं, मिलाद शरीफ में शिरकत देने वाले हैं। मिलाद शरीफ स्टार्ट हो गई है, अभी 7:15 हो गए हैं। इशाबाद की मिलाद शरीफ थी, और दावत की भी थोड़ी बहुत डिक्ची मिल चुकी है खाने के लिए, दावत के लिए। तो दावत भी होगी, मिलाद शरीफ भी होगी, शिरनी भी है, फातिया भी होगा, हर चीज़ हो जाएगा। तो पहले जो है मैं वीडियो शूट करूँगा, और इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा कुछ चंद अल्फाज पेश करने की नात शरीफ की, मिलाद शरीफ में। तो होप्स हो कि बेहतर हो। चलते हैं, चलो। जो कि एक अशार पेश करना चाहूँगा जो कि इस दुनिया और फानी दुनिया और आखिरत से मिलती जुलती है। ना मिला सुकून दौलत की बिस्तर बिछाकर, ना मिली मोहब्बत किसी को महबूब बनाकर, ना मिली ज़िंदगी कामयाबी पाकर, बस मिली मुझे जन्नत माँ के कदमों में आकर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कि मर्दों वाला काम करके आया हूँ मैं। कौन रोता है आका किसी के लिए, 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 कौन रोता है आका किसी किसी के लिए आप रोते रहे। मान लाए उमर जब के आए थे वो सरकसी के, सरकशी के लिए कौन रोता है आका किसी के लिए। कहता है प्यासे थे इब्ने अली, कौन कहता है प्यासे थे इब्ने अली। प्यासा पानी था असगर अली। होता है आका किसी के लिए। चलो सब लोग खाना खा के जाओ। हाँ खा ले भैया, खाना खाते वक्त आपका वीडियो निकालूंगा मैं। अच्छा ठीक है। शरीफ अभी हो गई है, फातिहा दुरूद हो गया है, अब जाकर के खाना खाने की बारी है। तो दावत के लिए जो सामान आया है वो भी लगाएंगे और सब लोग बिस्मिल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। बोल मैं ऊपर देखता हूँ। और बुढ़िया क्या हाल है, कुछ कहना चाहेंगे आज मिलाद? हाँ मेरी बेटी है। हाँ बहुत खूबसूरत बेटी है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ और कुछ कहना चाहेंगे मिलाद के बारे में? जाओ भाई लेकर के खाना। हाँ खाना उधर रखूं उधर पूरा। बहुत अच्छा दिमाग लगाया तो, बहुत अच्छा दिमाग। चलो फिर दावत माशाल्लाह से शुरू हो चुकी है तो खाने दिया जाए और हम लोग भी कुछ वक्त घूम फिर के आते हैं, ध्यान देते हैं मेहमानों पे, उसके बाद फिर हम लोग भी खाने बैठ जाएंगे। नाचो नाचो नाचो। ये बच्चों का सामाजिक स्टेप है डांस करने का, उछल उछल के नाचने का। उस्मान उस्मान तो सब अभी खाना ना खा करके बैठ चुके हैं हम लोग और वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा रात हो गई है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बोलना पड़ता है भैया, बोलना पड़ता है। क्या करें, खाना बांटते बांटते 12 बज गए, बोलना पड़ता है भाई। चलते हैं अभी, चलो मैं खाना खाने के बाद अभी वीडियो एंड करता हूँ, खाना खाऊंगा सो जाऊंगा, फिर कल सुबह मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। स्टे ट्यून गाइस, खुदा हाफिज, दुआ में याद रखना।